हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं मेथी के पराठे की बहुत ही अमेजिंग सी रेसिपी, और इसमें कुछ टिप और ट्रिक दूंगी जिससे आपके मेथी के पराठे बिल्कुल भी कड़वे नहीं होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग मेथी के पराठे बनाते हैं लेकिन उनके कड़वे हो जाते हैं तो बच्चे खाने से मना कर देते हैं और बड़े का भी खाने का दिल नहीं करेगा अगर मेथी के पराठे कड़वे बनेंगे। तो किस तरह से आप मेथी का कड़वापन दूर कर सकते हैं इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कर देना, क्योंकि सर्दियों में मेथी के पराठे खाने का अपना अलग ही मजा है। तो चलिए बिना टाइम को बर्बाद किए बता देते हैं, हमने लिया है 250 ग्राम मेथी, और ये जो मेथी आपको लेनी है वो जड़ वाली लेनी है, टूटी वाली नहीं लेनी है। जो इस तरह से कटी कटी आती है मेथी उसे मत लीजिएगा, उसमें कड़वापन होता है क्योंकि वो बासी होती है। फ्रेश मेथी का इस्तेमाल करना है जिसमें इस तरह से जड़ होती है। मार्केट में आपको इस तरह से मेथी आराम से मिल जाती है। तो अब एक बड़े साइज का बर्तन ले लेंगे और इस तरह से हमें मेथी के मुलायम हिस्से को तोड़ना है, और ये जो सख्त हिस्सा डंठल वाला होता है इसको नहीं यूज करना है, इससे पराठे कड़वे बनते हैं। तो इस तरह से हमें इसको रिमूव करके रखते जाना है। तो चलिए हम फटाफट रख लेते हैं, फिर इसके बाद हम टिप देंगे जिससे कि इसका कड़वापन निकल जाएगा, तो वो टिप आप जरूर फॉलो कीजिएगा। तो चलिए फटाफट इसे साफ कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड, इस तरह से ले लिया है। अब हमें क्या करना है, मेथी के अंदर हमें डालना है पानी, लमसम इतना पानी डालना है कि मेथी अच्छे से डूब जाए। तो 3 कप पानी हम इसके अंदर डालेंगे, और अब हमें डालना है 1 बड़ा चम्मच नमक, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है इस तरह से, हल्का हल्का सा, बहुत ज्यादा दबाना नहीं है। और अब इसे हम 15 मिनट का रेस्ट देंगे। नमक के पानी में रखने से मेथी की सारी जो कड़वापन होता है वो निकल जाता है, और फिर इससे आप कोई भी नाश्ता या कोई पराठा बनाएंगे वो कभी भी कड़वा नहीं हो सकता, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए इसे 15 मिनट का रेस्ट देंगे, फिर इसके बाद बनाएंगे। तो फ्रेंड, 15 मिनट हो चुके हैं और सारा पानी अच्छे से मेथी की कड़वाहट को निकाल दिया है। और अब हम क्या करेंगे, इसको हम छान कर 2-3 पानी वॉश कर लेंगे ताकि जो इसका एक्स्ट्रा नमक है वो निकल जाए, और फिर इसके बाद आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड, इस तरह से मैंने 3-4 पानी से वॉश कर लिया है। अब इसे हम कट करेंगे, तो कट करने के लिए मैंने एक चॉपिंग बोर्ड लिया है और उसमें हम थोड़ी थोड़ी मेथी रखेंगे इस तरह से, और इसे हम रफली चॉप करेंगे, बहुत ज़्यादा महीन नहीं करना है इस तरह से, देखिए। और इस तरह से हम करके सारे आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड, इस तरह से मैंने मोटा मोटा चॉप कर लिया है इसे, और बारीक नहीं करना है क्योंकि पराठों में बारीक नहीं जाता है। तो इस तरह से होने के बाद अब इसे एक बर्तन में ट्रांसफर करेंगे। तो चलिए एक बड़े साइज का बर्तन ले लेंगे जिसमें हमें पराठे बनाने में दिक्कत ना हो। तो इस तरह से अब हम ट्रांसफर कर देंगे अपना सारा का सारा। तो इस तरह से मैंने ट्रांसफर कर दिया है, और अब इसमें हम कुछ चीजें ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें कुछ चीजें ऐड करेंगे, वो आप लोग देखिएगा। तो फ्रेंड, 1 छोटा चम्मच सरसों का तेल, बिल्कुल छोटा चम्मच, अगर आपका बड़ा है तो आप आधा ही डालिएगा। 1/2 चम्मच अजवाइन, इसको अच्छे से मसलते हुए इसके अंदर ऐड करना है। फिर इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 चम्मच मोटी वाली सौंफ, सौंफ जरूर डालना है, इससे पराठों का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और अब इसके बाद हम इसमें इम्पोर्टेंट चीज डालेंगे, और अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच छोटा वाला लाल मिर्च, 1/2 चम्मच चाट मसाला, 1/2 चम्मच मगरैल, इसको कुछ लोग कलौंजी बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, इसको मसल कर डालेंगे। 1/2 चम्मच छोटा वाला जीरा, इसको भी मसल कर डालेंगे। 1/4 चम्मच हींग, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच नमक। अब सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और सारी चीज़ों को मिक्स करके हमें 5 मिनट का रेस्ट देना है ताकि मेथी जितना भी पानी छोड़ना है वो छोड़ दे। तो 5 मिनट का रेस्ट देने के बाद हम इसका आटा लगाएंगे। तो फ्रेंड, 5 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसका आटा लगाना शुरू करते हैं। आप नॉर्मली इसे गेहूं के आटे से बना सकते हैं, लेकिन मैं इसे चने और जौ के आटे से बनाने वाली हूं, जो बहुत ज़्यादा हेल्दी होगा, और जाड़ों में आपको चना और जौ गर्म रखता है, तो इसीलिए आपके पास अगर अवेलेबल हो तो आप उससे बनाइएगा, बहुत ही ज़्यादा आपको फायदा होगा। तो वो हम 100 ग्राम डालेंगे। तो फ्रेंड, 100 ग्राम आटा हम डाल देंगे जो जौ और चने का है। तो अब इसमें हम डालेंगे हल्दी ताकि अच्छा सा कलर आए, अब हम डालेंगे फ्रेश हरा धनिया। तो फ्रेंड, ये गया हरा धनिया ढेर सारा, और अब इसमें हम डालेंगे छाछ यानी दही को, हमें पानी डालकर इस तरह से पतला कर लेना है, और ये 1 चम्मच दही है और 1 चम्मच पानी है, इस तरह से 2 बड़ा चम्मच है। और अब हम सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे ताकि हमें अंदाजा हो जाए कितना पानी लगेगा। तो फ्रेंड, अच्छे से देखिए, इस तरह से आपको टाइटली इसको मसलना है। तो इसके बाद देखिए इसे बाइंडिंग आनी शुरू हो चुकी है, तो हमने जो रखा था उसकी वजह से मेथी अपना पानी छोड़ दिया था। अब हम थोड़ा सा पानी लेंगे, लगभग 4 बड़ा चम्मच, और इसको डालकर अच्छे से इसका टाइट आटा लगाएंगे। तो आटा लूज नहीं होना चाहिए, इस तरह से आपको अच्छे से मसलते हुए इसका आटा तैयार करना है। जितना आप अच्छे से मसलेंगे उतनी सॉफ्ट पराठे बनकर रेडी होंगे। तो ये देखिए, हम अच्छे से मसल लेते हैं, और मसल मसल कर हम इसे गूंदेंगे लमसम 1 से 2 मिनट। 1 से 2 मिनट गूंदने के बाद अब हम इसे रेस्ट देंगे 5 मिनट का, और फिर इसके बाद हम इसके पराठे रेडी करेंगे। तो चलिए 5 मिनट का रेस्ट देते हैं।
तो फ्रेंड 5 मिनट हो चुका है और आटे को हम 1 मिनट तक इस तरह से हल्के से मसल लेंगे और चिकना करेंगे, ज्यादा देर नहीं। तो फ्रेंड इस तरह से मैंने मसल लिया है, अब हम अपने हाथों को वॉश करने के बाद इसके पराठे बनाएंगे बिना बेले। तो फ्रेंड बिना बेलन के यूज की कैसे आप बनाते थे पराठा आज आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसकी लोइयां कट कर लेंगे इस तरह से, और ये मैंने 2 लोगों के लिए पराठे बनाए हैं क्योंकि मैंने पराठे बना के खा चुके हैं, यानी खा लिए हैं सॉरी। और इस तरह से मैंने इसके 4 बड़े बड़े पेड़े कर लिए हैं। अब चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड आइए बनाना शुरू करते हैं। तो हम एक इस तरह से चॉपिंग बोर्ड ले लेंगे और इसमें हम डालेंगे ऑयल लमसम 1 छोटा चम्मच और इसे अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। और अब अपनी लोई लेंगे, उसको अच्छे से चिकना करेंगे इस तरह से, और अब हम इस लोई को रखेंगे। और अब हम इसे बिना बेले कैसे बनाएंगे आप लोग को हम सीक्रेट शेयर कर रहे हैं। आप इस तरह से बना सकते हैं, इसमें आपके पराठे इक्वल बनेंगे, अच्छे से बनेंगे। तो आपको एक ढक्का ले लेना है कोई भी, और उस पर अच्छे से ऑयल अप्लाई कर लेना है इस तरह से। तो मैं मीडियम साइज के पराठे बना रही हूँ, ना बहुत ज़्यादा बड़े ना बहुत ज़्यादा छोटे। और इस तरह से अच्छे से प्रेस करना है, और इस तरह से प्रेस करने के बाद आपको इसे हाथ से फैला लेना है जितना बड़ा आप रखना चाहते हैं इस तरह से। तो आपका पराठा बिल्कुल भी अच्छे से टूटेगा नहीं और बिल्कुल अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से हम प्रेस कर लेते हैं, जितना बड़ा आपको पराठा चाहिए आप अच्छे से प्रेस कर लीजिएगा। तो मैं इसे मीडियम साइज का बना रही हूँ, और अब हम इसे निकाल लेंगे। तो फ्रेंड इस तरह से नाइफ से आप इसको हल्का हल्का सा किनारे किनारे से छोड़वाएंगे, और इस तरह से देखिए अच्छे से छोड़ देगा। तो चलिए हम पराठा निकाल लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए साइड साइड से आपको इस तरह से करना है, और आपको ऑयल अच्छे से अप्लाई करना है। तो ये देखिए पराठा अपना निकल आया है इस तरह से। तो फ्रेंड इस तरह से पराठा हमारे हाथ में आ गया, चलते गैस की तरफ बनाते पराठा। तो फ्रेंड आगे हमने पैन को रख दिया, पैन हमारा जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तब तक का हमें वेट करना है, फिर इस तरह से हम अपने पराठे को इसके अंदर डाल देंगे। और इसे एक साइड से 2 से 3 मिनट पकाने के बाद पलटेंगे। तो फ्रेंड 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, अब इसके बाद हम इस तरह से लेंगे और इसको टर्न कर देंगे। अब इस पे ऑयल लगाएंगे। तो फ्रेंड आगे है गैस की तरफ, और हमने एक पैन ले लिया है, और पैन में हमने डाला है 1 चम्मच सरसों का तेल। सरसों के तेल से ही बनाना है, और जब आपका तेल अच्छे से गर्म हो जाए तब तक को आपको वेट करना है। तो देखिए तेल हमारा हल्का सा गर्म हो चुका है, बहुत ज्यादा गर्म नहीं करना है सरसों के तेल को। तो हम इसमें डालेंगे लहसुन की 3 कलियां, फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे अदरक जो हमने इस तरह से बड़ी बड़ी चॉप कर ली है, 1.5 इंच की अदरक। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे मूंगफली जो हमारी 2 बड़ा चम्मच है, और ये कच्ची मूंगफली है। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे ग्रीन चिली जो हमने इस तरह से बीच से कट करके ली है, और इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और अब इसके बाद हम इसको अच्छे से सॉटे करेंगे। तो फ्रेंड इस तरह से देखिए हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और अब इसमें हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच सौंफ। सौंफ जरूर डालिएगा, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और सौंफ डाल के अच्छे से मिला लेंगे, और इन्हें अब हमें अच्छे से ड्राई रोस्ट करना है। तो फ्रेंड इस तरह से जब ये हल्का सा सॉटे हो गया है, तो हमें इसमें डालना है गरम मसाला 1 चम्मच, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, तो आधा चम्मच रेड चिली पाउडर, क्योंकि हमने ग्रीन चिली भी डाला है तो इसलिए रेड चिली ज्यादा नहीं डालना है। और इस स्टेज पे हम डालेंगे इसमें टमाटर जो हमारे 2 मीडियम साइज के टमाटर है, जो वेट है 50 ग्राम है, और इसको डालकर हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब टमाटर को हमें अच्छे से सॉटे करना है। अब इसमें हम इस टाइम डालेंगे नमक ताकि हमारे टमाटर अच्छे से गल जाए। तो चलिए नमक डाल लेते हैं। तो इस तरह से 1 छोटा चम्मच नमक डालेंगे, और अब हम टमाटर को अच्छे से पका लेंगे। तो सारी चीज़ों को हमें अच्छे से पकाना है, और टमाटर के सॉफ्ट होने का वेट करना है, पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। तो इस तरह से हम टमाटर को गलने देंगे। तो इस तरह से देखिए हमारे जो टमाटर थे सॉफ्ट हो गए हैं, और जब इस स्टेज तक सॉफ्ट हो जाए तो इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच ड्राई आमचूर पाउडर, जिससे इसका जो फ्लेवर है वो बहुत ही चटपटा होने के साथ साथ थोड़ा सा खट्टा भी होगा, तो मज़ा आ जाएगा खाकर। और अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी बिल्कुल 2 चुटकी मेथी कसूरी वाली, और कसूरी मेथी डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इस तरह से टमाटर हमारे देखिए हल्के हल्के से सॉफ्ट हो गए, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है क्योंकि हमें इसका इस तरह से सॉटे करना था। तो ये हो चुका है रेडी। अब हम इसको गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने का वेट करेंगे, जब ये कूल हो जाएगा तब हम इसका यूज़ करेंगे। तो चलिए गैस के फ्लेम को बंद कर देते हैं और फिर इसके बाद इसका इस्तेमाल करेंगे। तो फ्रेंड ये ठंडा हो चुका है देखिए इस तरह से, अब इसे हम एक मिक्सी जार में ट्रांसफर कर लेते हैं। तो चलिए ट्रांसफर कर लेते हैं,
और इस तरह से मिक्सी जार में हम इसे ट्रांसफर कर लेंगे। और अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, तो इस तरह से थोड़ा सा पानी डालकर हम पैन को साफ कर लेंगे, क्योंकि कुछ भी वेस्ट करना जरूरी नहीं है। तो इस तरह से थोड़ा सा पानी डालकर और अब इसे हम अच्छे से स्मूथ से चटनी फॉर्म में बना लेंगे। तो चलिए बना लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड देखिए, इस तरह से मैंने इसको पीस लिया है, देखिए कितना अच्छे से पिस गया है। अब चलते हैं गैस की तरफ। तो फ्रेंड आ गए गैस की तरफ और हम तेल लेंगे एक चम्मच सरसों का और पैन में डालेंगे और इसे अच्छे से हीट हो जाने देंगे। तो देखिए तेल हमारा गर्म हो गया है हल्का सा, तो हम इसमें डालेंगे कड़ी लीव्स यानी कड़ी के पत्ते, और डालने के बाद थोड़ा सा पीछे हट जाएंगे। फिर इसके बाद इसमें डालेंगे हींग चौथाई चम्मच और एक चम्मच राई। तो राई जो होती है वो पतली वाली होती है, महीन महीन होती है, और सरसों के दाने मोटे होते हैं, तो आपको राई डालने, सरसों के दाने नहीं डालने। और सारी चीज़ों को हम तड़कने देंगे, और जब ये तड़कने लगेगी तो हम इस तड़के को अपनी चटनी में ट्रांसफर करेंगे, या रसम चटनी जो भी आप इसे नाम दे दीजिए। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, एक बार इस तरह से बना कर देखिएगा तो आपको मज़ा आ जाएगा। तो चलिए अब इसे ट्रांसफर कर लेते हैं। तो फ्रेंड अब इस तड़के को हम इसके अंदर ट्रांसफर कर लेंगे, और तड़का डालने के बाद देखिए जो इसका कलर है वो कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। और इस तरह से ये रेडी हो चुका है, देख लीजिए कितना सुंदर लग रहा है। अब चलिए दूसरा काम कर लेते हैं। तो फ्रेंड इस तरह से पलटने के बाद अब इसमें हम ऑयल लगाएंगे, अब इसे हम पलट देंगे। और ऊपर से भी ऑयल लगाएंगे। तो मैं इसे सरसों के तेल से बना रही हूँ, आप चाहे तो इसे रिफाइंड से बना सकते हैं, घी से बना सकते हैं। और पराठे को अच्छे से क्रिस्पी करेंगे, और पराठे के साथ खाने वाली एक चटनी भी शेयर करूंगी जो टमाटर की है, और उसके साथ अगर आप मेथी के पराठे खाएंगे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। तो चलिए ये पराठा बनाने के बाद हम आपको चटनी बनाने की रेसिपी देते हैं। तो इस तरह से हम पलट देंगे, देखिए हमारे पराठे कितने अच्छे से हुए हैं, और इस तरह से प्रेस करने से ये अच्छे से कुक हो जाएंगे। तो फ्रेंड पराठा हमारा रेडी हो चुका है, आइए चटनी की रेसिपी आपके साथ शेयर कर देते हैं। तो फ्रेंड चटनी हमारी बनकर रेडी हो चुकी है, आइए पराठे को भी हमने सर्व कर लिया है और इसके साथ हम इसको सर्व करते हैं। तो ये देखिए हमारा परफेक्ट ब्रेकफास्ट बनकर रेडी हो चुका है, मेथी के पराठे और ये अमेजिंग सी टमाटर की रसम वाली चटनी। और इसे ट्राई कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन करेंगे ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलेगी सबसे पहले। और इस पराठे के साथ ये वाली चटनी बहुत ज्यादा टेस्टी लगती है, आप इसे 10 से 15 दिन तक स्टोर कर सकते हैं। और पराठा हमारा देखिए कितना अच्छे से क्रिस्पी बना है, और ये इसलिए छिटका है क्योंकि इसमें जौ का आटा और गेहूं का आटा था, सॉरी जौ का आटा और चने का आटा था। अगर आप प्योर गेहूं से बनाते हैं तो वो छिटकते नहीं है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी होते हैं, हेल्दी होते हैं। तो इस तरह से परफेक्ट ब्रेकफास्ट बनकर रेडी हो चुका है, जो जाड़ों के लिए परफेक्ट है। आप लोग ट्राई कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय, टेक केयर।